हेलो गेमर्स, कैसे आप सभी लोग यार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या आप भी हो किसी भी टेक रिकॉर्डर यूज करते हो जो कि चलते ही नहीं हो बिल्कुल ही? बट आज की ये वीडियो में हम लोग एक गेमिंग रिकॉर्डर लेके आ चुके जिसका नाम है OBS स्टूडियो। बहुत ही तगड़ा वाला है भाई, बहुत ही फीचर्स वाला। बट एक खासियत इसकी है ये कि ओपन वर्ल्ड है भाई, कोई भी यूज कर सकता है। चाहे आप गेमर हो, चाहे आप ब्लॉगर हो, एडिटिंग की स्किल के ऊपर वीडियो बनाते हो, कुछ भी भाई, सारे के सारे काम में ये एक स्टूडियो काम में आएगा। तो भाई यार चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। तो बाकी चलो भाई बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं स्क्रीन के ऊपर। गेमर्स तो यहाँ पे ये देखो भाई, OBS की ये मेंस वेबसाइट है। अगर आप लोग गूगल में जाके सिंपली यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ हमने गूगल ही सर्च कर लिया, बट यहाँ पे टाइप करना है OBS, सिर्फ OBS लिखोगे तो भी OBS टाइप करने के बाद पहली जो वेबसाइट है उस पे जाने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको जो मिलेगा विंडोज का ऑप्शन। विंडोज के ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपका ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लगेगा। तो फिलहाल अभी अपना ये OBS स्टूडियो हो चुका है डाउनलोड, तो अभी इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी यहाँ पे सिंपली ओपन करके यस करो। यस करने के बाद यहाँ पे कुछ इंक्वायरी के लिए पूछेगा, उसको नेक्स्ट करते जाओ, नेक्स्ट करते जाओ। बट हमारा भाई ऑलरेडी अभी OBS इंस्टॉल है और भाई चालू भी है, तो इस वजह से ये कह रहा है कि ठीक है, बट आप लोग भाई नेक्स्ट करते जाओगे इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अपना इंस्टॉल है, तो अभी हम लोग फिलहाल ओपन करते अपने OBS स्टूडियो को। तो बाकी अभी ये देख सकते हो ये है इसका सिंपली इंटरफेस, बट यहाँ पे जो है सीन वन लिखा हुआ रहा है, ये मेन है। यहाँ पे आप लोग सीन्स क्रिएट कर सकते हो, लाइक एक सीन वेब कैम है, दूसरा सीन में आप लोग गेम खेल रहे, तीसरे सीन में लाइव स्ट्रीम चालू है उसमें आप लोग चैट वगैरह पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग एक दो तीन चार ऐसे सीन्स बना सकते हैं। तो पहले सीन में हम लोग क्या करेंगे कि लाइक हमें पहले सीन में जो हमारा डेस्कटॉप पूरा चाहिए, ठीक है, तो यहाँ सीन के ऊपर ये रख के पहले सीन में यहाँ सोर्स में जाना है, ठीक है। यहाँ सिंपली राइट क्लिक भी आप कर सकते हो, ये वाली जो राइट क्लिक है यहाँ पे, ये राइट क्लिक भी कर सकते हो, या तो एक सेकेंड भाई ये पता नहीं क्या हो रहा। ओके, तो यहाँ पे ये क्या ओपन हो गया भाई, एक सेकेंड। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली राइट क्लिक करके एड भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप लोग ये प्लस वाला जो आइकन है उसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज है उसको ऐड कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट फिल्म में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये ऑडियो इनपुट लाइक माइक्रोफोन, आप अगर आप कुछ बोल रहे हो तो वो रिकॉर्ड कैसे करना है, तो आप लोग माइक भी इसमें सेट कर सकते हो। दूसरा है ऑडियो आउटपुट, मुझे आपको कुछ सुनाना है तो मैं कैसे बताऊंगा कि मैं आप क्या करूंगा कि इस पे ऊपर सिंपली क्लिक करके ओके करके यहाँ पे ये देखो स्पीकर आ रहा है, तो मेरा जो स्पीकर में आ रहा है ना वही आपको सुनाई देगा। और यहाँ पे नेक्स्ट है ब्राउजर, ब्राउजर में आप लोग अगर कुछ ब्राउजर आपको दिखाना है लाइक चैट होता है ना चैट, तो चैट आप लोग यहाँ पे सिंपली रख सकते हो, ठीक है। इस तरह से लाइक आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो और यहाँ पे आपको लगता है कि आपकी चैट दिखनी चाहिए, तो चैट का क्या ऑप्शन है कि भाई आपको ना चैट जहाँ पे चल रही है ना वहाँ की उसकी URL जो लिंक होती है वो आपको सिंपली वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे सिंपली पेस्ट करनी है। पर वो नेक्स्ट की बात है, आप लोग जब लाइव स्ट्रीम करोगे तो तब की तब देखें। कलर सोर्स, कलर सोर्स वैसे क्या है कि कलर आप लोग कोई भी सॉलिड कलर आप यूज़ कर सकते हो, इसको आप लोग कलर यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। डिस्प्ले कैप्चर, ये मेन है भाई कि आप लोग को कौन सी डिस्प्ले कैप्चर करनी है। तो अभी ये देखो मेरी अभी आ चुकी है ये डेस्कटॉप जो मैंने उसका आ चुका है। यहाँ पे आप लोग कोई भी अलग डेस्कटॉप है लाइक अगर और कोई डिस्प्ले आप लोगों ने लगाई हुई है अपने CPU के साथ तो वो यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगी, तो वो आप लोग ऐड कर सकते हो। गेम कैप्चर, गेम कैप्चर आप कोई से भी गेम खेल रहे हो तो उसको आपको कैप्चर करना है। तो मेरा ये देखो यहाँ पे ना आप लोग फुल स्क्रीन ऊपर के क्लिक कर देना, लाइक अगर आपको एक गेम खेल रहे हो ना तो वो फुल स्क्रीन में आ जाएगी, तो ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेगी। ओके करने के बाद यहाँ पे मेरा एक भाई रिक्वेस्ट है आपसे कि ये जो है ना डिस्प्ले कैप्चर वो जो है इस तरह से रखो भाई, वेबकैम ऊपर रखो ताकि आपका वेब जो है वो ऊपर दिखाई दे, और उसके बाद गेम कैप्चर, उसके बाद डिस्प्ले कैप्चर, ठीक है। तो इस तरह से सीक्वेंस में रखो। उसके बाद आता है हमारा भाई इमेज, इमेज अगर आपको कोई ऐड करनी है तो आप लोग वो कर सकते हो, GIF वगैरह जैसे भाई कार्टून वगैरह GIF लूप में घूमते रहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हो। इमेज स्लाइड, इमेज आप लोग ऐड कर सकते हो। मीडिया सोर्स, मीडिया सोर्स भी लाइक अगर आपको कोई वीडियो प्ले करनी है तो वो वीडियो चलती ही जाएगी इस तरह से। उसके बाद आता है सीन्स, सीन्स वगैरह आप लोग ऐड कर सकते हो, मैं ये यूज नहीं कर रहा हूँ तो मुझे ज्यादा पता तो नहीं है, बट आप लोग ये यूज कर सकते हो। टैक्स वगैरह, टैक्स आप लोग यूज कर सकते हो कि लाइक मैंने यहाँ पे ये देखो ये कुछ भी लिख दिया, तो यहाँ पे ये टैक्स आप लोग यूज कर सकते हो, मैं अभी कुछ नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट आता है हमारा वीडियो कैप्चर, वीडियो कैप्चर लाइक वेब कैम हम लोग कह सकते हैं कि वेब हमें कैप्चर करना है तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो, ठीक है, वेब कैम अगर कोई दूसरा है। बट मेरे पास जो है मोबाइल से मैं अभी फिलहाल बना रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम, ठीक है।
तो अभी हाल तक VLC वीडियो सोर्स, अभी VLC आप लोगों ने शायद ये नाम सुना होगा। तो VLC का कोई सोर्स अगर आप लोग यहाँ पे अगर कुछ प्ले कर रहे हो ना तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस तरह से आप लोग वो भी ऐड कर सकते हो। विंडो कैप्चर बेसिकली डेस्कटॉप कैप्चर जैसा ही, बट आप लोग सेपरेटली उसको यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर यहाँ पे ये देखो, लाइक मैंने ये अभी क्रोम ये यूज़ किया, ठीक है, तो क्रोम यहाँ पे अभी आ जाएगा। एक सेकंड नहीं आया, तो ये देखो ये आ गया क्रोम। यहाँ पे आप लोग सिंपली ऐड कर देंगे ना तो यहाँ पे आपका क्रोम आ जाएगा। अभी मैं ओपन करूँगा ना तो ये देखो यहाँ पे ये क्रोम आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है भाई ऐड कर सकते हो, ठीक है। यही हमें रिकॉर्ड करना है तो वो विंडो कैप्चर वही रिकॉर्ड करके देगा। तो यहाँ पे अभी कहानी होते इन सभी की खत्म। सो ओके गाइस, अभी जो है भाई बिकम अ गेमर, आपको भाई कौन कौन से सेटिंग्स करनी है। पहले तो यहाँ पे एक सेटिंग का टैब है, उसके ऊपर क्लिक करने से आपको जो यहाँ पे ना कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें से पहला वाला जो है वो जनरल का है। और लैंग्वेजेस मिलेंगे, थीम मिलेगी। थीम तो भाई यामी करके वही सिलेक्ट रखो, बढ़िया वाली है, क्योंकि ये का पूरी ब्लैक है ना तो आपकी आंखें जो है ना भाई ठंडी रहेगी, ठीक है। उसके बाद आती है स्ट्रीम में आप लोग कुछ भी भाई ट्विच से, आप लोग अगर लाइव स्ट्रीम करनी है तो आप ट्विच में कर सकते हो, यूट्यूब में कर सकते हो, फेसबुक में कर सकते हो, ट्विटर पे भी कर सकते हो। और अगर आपको और भी ऑप्शंस चाहिए तो आप यहां से कर सकते हो, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है आउटपुट का, ये सबसे मेन है भाई। तो यहाँ पे आउटपुट मोड जो है उसमें आपको सिंपल देखने को मिलेगा, उसको हटाते हुए हमें जो एडवांस सिलेक्ट करना है। एडवांस जैसे सिलेक्ट करोगे आपको यहाँ पे स्ट्रीम रिकॉर्डिंग ऑडियो एंड रिप्ले बफर, ठीक है। रिप्ले बफर क्या है कि मान लो अगर आपने अभी गेम खेल रहे और उसमें एक रेयर थिंग हुआ, रेयर चीज हुई जो कि आपको रिकॉर्ड करनी थी पर रिकॉर्ड नहीं हुई, भाई रिकॉर्डिंग फोन ही नहीं था, तो ये क्या है कि आप लोग जैसे इसको अनेबल करके यहाँ पे सिर्फ जितनी मिनट आपको लिखोगे ना, जितनी सेकंड्स, तो उसमें क्या होगा कि उतनी सेकंड के पीछे वाला जो है ना वो रिकॉर्ड हो जाएगा। बट उसके लिए आपको एक बटन एक सेट करना पड़ेगा जो कि मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। तो पहले हमारा है भाई स्ट्रीमिंग, ठीक है। स्ट्रीमिंग में क्या कि ये सब नॉर्मल है, यहाँ पे आपको ऑडियो ट्रैक कितने रखने, दो रखने, पर अभी जो हम लोग फिलहाल इसमें नहीं जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है रिकॉर्डिंग का। रिकॉर्डिंग में क्या है कि यहाँ पे ना स्टैंडर्ड सिलेक्ट करना है टाइप में जाने के बाद, उसके बाद है रिकॉर्डिंग टैब। आपको रिकॉर्डिंग जो आप कर रहे हो उसको कहाँ पे सेव करना है, तो मैंने डिफॉल्ट यहाँ पे अभी सेव किया है। और उसके बाद है भाई कि रिकॉर्डिंग फॉर्मेट, आपको जो रिकॉर्डिंग करना है वो किस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना है। भाई ज़्यादातर लोग कहेंगे कि MP4 में रिकॉर्ड करो, हाँ भाई मैं भी कहूँगा कि MP4 में रिकॉर्ड करो। बट अगर आपके भाई कुछ ऐसे मान लो कि भाई लाइट आ रही है जा रही है, मतलब 3-4 घंटे तक रह रही है, उसके बाद 5-10 मिनट के लिए चली जाती है, तो भाई मेरा प्रेफर है कि आप MKV सिलेक्ट करो। मैं बताता हूँ यार क्यों सिलेक्ट करो कि भाई अगर आप लोग MP4 सिलेक्ट करोगे ना तो क्या होगा, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और लाइट चली गई तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो MP4 फाइल है ना वो करप्ट हो जाएगी। सो इस केस में क्या आपको करना है कि MKV से अगर आप लोग रिकॉर्डिंग करोगे, अगर लाइट चली भी गई ना रिकॉर्डिंग के टाइम में, तो जब तक लाइट जाने से पहले 1-2 सेकंड के पहले तक जो है आपकी रेक आपकी जो क्लिप है ना वो सेव हो जाएगी भाई। बट हाँ, उसको ना आप लोग ऐड नहीं कर सकते तो कोई भी प्रीमियर प्रो में की वहाँ पे, ठीक है। उसके लिए ना आपको उसको सिंपली बस कन्वर्ट करना होगा, कन्वर्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, बस इतना करना है छोटा सा। तो MKV रखो भाई, मेरा प्रेफर तो ये अगर आपकी लाइट आ जा कर रही है, ठीक है। उसके बाद है कि अपना ये इनकोडर सिलेक्ट करना, तो इनकोडर में तो कुछ ज़्यादा में डिफरेंस नहीं बनेगा, बट मैं प्रेफर करूँगा कि 2644, ठीक है, ये सिलेक्ट रखो, बस यही है HEVC, ठीक है। अगर आपके बीटरेट आपने कम रखे हैं तो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है कि ऑडियो ट्रैक क्या है कि आप लोग को कितने ऑडियो ट्रैक रखने हैं। अगर डेस्कटॉप का अंदर इन गेम का एक वो ट्रैक अलग है, आप जो बोल रहे हो उसका ट्रैक अलग है, ऑनलाइन अगर आप किसी बंदे के साथ खेल रहे हो तो उसका भी वॉइस आप लोग अलग ऐसे ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बट अभी जो मैं दो ही ट्रैक ऑन कर रहा हूँ, एक जो पहला वाला ट्रैक है वो जो इन गेम कोई आवाज़ आ रही है, डेस्कटॉप के में से कोई आवाज़ आ रही है कंप्यूटर में से, तो वो आपको देगा। और दूसरा जो ट्रैक है वो मेरा माइक है अभी, उसकी आवाज़ आपको देगा, ठीक है। ये दो है, बस ये दो है वो अलग अलग रिकॉर्ड होंगे, आप लोग एडिट कर सकते हो इसीलिए। बट उसके बाद आता है रिस्केलिंग आउटपुट, आप लोग यहाँ से रिस्केल कर सकते हो। लाइक अगर आपका मॉनिटर है वो 90:20 का है और आपको कन्वर्ट करके सिंपली रिस्केलिंग करके आपको ले आना है 1280, यहाँ पे नहीं है बट आप लोग ऐसे लिख भी सकते हो 1280 70 20, ठीक है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। बट मैं ये प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि भाई आप लोग को क्वालिटी कम क्यों करनी है, बस इसीलिए इसको ऑफ रखना। अच्छा, उसके बाद आता है इनकोडर सेटिंग। इनकोडर सेटिंग में क्या है कि VBR और CBR CQP अगर आप रखते हो तो ये मैं प्रेफर करूँगा कि 22
23 रखो, क्योंकि ऊपर नीचे करोगे ना तो आपकी क्वालिटी में डिफरेंस आ सकता है। अगर हाई कर दोगे तो शायद हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड होगा, आपके MB ज़्यादा जाएंगे। अगर आपकी स्टोरेज कम है तो भाई मैं प्रेफर करूँगा कि 22 रखो, बट मैं प्रेफर करूँगा ज़्यादातर VBR करने की, क्योंकि VBR में ना सारे बंदों को समझ में आ जाता है कि हमें कितना रखना है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आप लोग कोई गेम खेल रहे हो ना तो भाई 25,000 से 30,000 रखो भाई, बहुत होंगे अगर आप 19-20 में कर रहे हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग अगर आप 19-20 में कर रहे हो, बट अगर आपका 4K है ना तो भाई यहाँ पे 30 से 40 कर दो, क्योंकि भाई आपका बीट रेट अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड होगा। तो इसी वजह से भाई ये मैं प्रेफर करूँगा। उसके बाद यहाँ पे बस ये स्लो वाला रखोगे तो यहाँ पे प्रीसेट क्या है ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये जो भाई ये ऑफ टैब वो हमें क्या यूज़ में आता है। बट मैं जो प्रेफर करूँगा कि स्लो भले रिकॉर्ड हो पर गुड क्वालिटी में रिकॉर्ड हो, मैं ये PI आपको प्रेफर करूँगा। उसके बाद आता है हाई क्वालिटी वाला, इसमें सिलेक्ट कर दो। बस यहाँ तक होता है आउटपुट का, कहानी खत्म। उसके बाद आता है ये ऑडियो टेप। आप लोगों को मान लीजिए मैंने ट्रैक पहले में 265 का हमने रखा है। उसके बाद ऑडियो जो ट्रैक टू है हमारा, वॉइस जो भी आ रहा है माइक के थ्रू, उसका भी बीट रेट हमें रखना है 256, ठीक है। उसके बाद रिप्ले बफर मैंने आपको अभी समझा दिया। अभी आती है ऑडियो के बाद। ऑडियो के बाद में पहले जो था वो हमारा डेस्कटॉप का, डेस्कटॉप यहाँ पे देखो, ये देखो, ये जो है ना भाई डेस्कटॉप, यहाँ पे डेस्कटॉप ऑडियो तक स्पीकर हमने रखा है। तो ये देखो यहाँ पे डेस्कटॉप ऑडियो आपको दिखा रहा है, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद आता है ये जो है ना दूसरा, वो डिसेबल रखा है, बट हमने यहाँ पे माइक ऑक्सिलरी ऑडियो, माइक या ऑक्सिलरी ऑक्स केबल होता है वो भी कह सकते हैं हम लोग, माइक या ऑक्स केबल, ठीक है। उसके थ्रू अगर कोई आवाज आएगी तो माइक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट मेरा कर रखा है। तो ये देखो अभी ये जो चल रहा है ना वो ये, बट हमें चाहिए भाई वेबकैम का भी ऑडियो। तो मैं यहाँ से वेबकैम का अगर मेरा ऑप्शन है तो मैं वेबकैम भी करूँगा, तो यहाँ पे ये वेबकैम दिख रहा है ना उसका भी ऑडियो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये सब कुछ इस तरह है, यहाँ पे हमारा सेटिंग यहाँ पे होता है खत्म। बट ऊपर जो है सैंपल रेट मेरे प्रेफर रहेगा कि 48 रखो भाई, क्योंकि इसमें शायद ना थोड़ी आवाज़ बढ़िया आती है मेरे ख्याल से। बट यहाँ पे जो है अभी मोनो हटा के स्टीरियो रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा काम होता है खत्म। उसके बाद वीडियो टैब में जाने के बाद यहाँ पे 19-20 रखना, अगर आपका 19-20 मॉनिटर है चेक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आउटपुट आप लोगों को बेस क्या है कि आपका मॉनिटर तो है 19-20 का, ठीक है, बट आपको आउटपुट कितना चाहिए कि यहाँ पे आउटपुट आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं 19-20 का ही रखूंगा। उसके बाद यहाँ पे कॉमन FPS आप लोग चूज करना, ठीक है। उसके बाद 60 रख देना, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपके एक सेकंड में कितने फ्रेम पड़ेंगे उसका आप लोग 60 यूज कर देना। होटकीज में यहाँ पे मैंने स्टार्ट और रिकॉर्डिंग में स्क्रॉल लॉक का बटन रखा है, क्योंकि अगर मान लो आपको एक गेम खेल रहे हो ना तो यहाँ पे एक तगड़ी वाली बात है कि आप लोग जो है भाई गेम खेलते खेलते मान लो अगर आपने बटन दबाया और आपसे भाई स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन नहीं हुआ तो इसमें एक दिक्कत आएगी कि आपकी रिकॉर्ड नहीं होगी क्लिप। सो मेरे पास एक तगड़ा आइडिया कि आप लोग के पास ना कीबोर्ड, अभी आप लोग शायद कंप्यूटर पर बैठ रहे हो ना तो आपको पता होगा कि स्क्रॉल लॉक जो है ना वो बटन दबाते ही आपका एक स्क्रॉल लॉक का जो लाइट होता है ना वो ऑन हो जाता है। तो उससे क्या कर सकते हो कि आपको पता चल सकता है ऑन कीबोर्ड कि आपका रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं। तो आप लोग सिंपली स्क्रॉल लॉक का बटन आप यूज कर सकते हो स्टार्ट रिकॉर्डिंग और स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के लिए, ठीक है। इससे आपको पता लगता रहेगा कि रिकॉर्डिंग ऑन है या ऑफ, इस तरह से आप लोग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बाकियों का मैंने कुछ देखा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी ये कुछ ज्यादा है ही नहीं काम का, यहाँ पे ये खत्म होता है सारा का सारा काम। सो ऑलराइट गाइस, आई होप कि आप लोगों को सारी सब बातें समझ में आ चुकी होगी और अभी आप लोग गेम रिकॉर्ड करने में सक्षम हो चुके होंगे और भाई बढ़िया बढ़िया गेम्स रिकॉर्ड करेंगे। तो भाई अभी मिलते हैं अगली वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ। और हमने जो कहा था ना कि भाई वेबकैम कैसे करें तो भाई वो दूसरी वीडियो में बताएंगे, ताकि ये वीडियो ना बहुत ही लंबी ना हो। अगर ये लंबी हो जाएगी ना तो आपको भी कंफ्यूजन होगा। तो इसी वजह से अभी जो यहीं पे वीडियो को करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। तो बाकी अभी मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।